हमारे आज के जो गेस्ट हैं इनकी हिट्स की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी। दिल, राजा, बेटा, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, इश्क, द लिस्ट इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और फ्रेंड्स, आने वाले शुक्रवार को इनकी एक और फिल्म रिलीज हो रही है, सुपर नानी। सो लेट्स गेट टॉकिंग टू प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंद्र कुमार। इंदु जी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। इतनी लंबी लिस्ट है हिट्स की, तो जब भी आपकी कोई अगली फिल्म रिलीज होने वाली होती है, डर लगता है या कॉन्फिडेंस से छाती फूल जाती है? एग्जाम में आपने कितनी बार भी कितने अच्छे मार्क्स लाए हो, लेकिन जब पेपर हाथ में आता है तो हाथ कांपने लगते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरी भी परीक्षा है, और पास करने वाली जो ऑडियंस है वो मेरे एग्जामिनर है। बट इतने सालों बाद भी ऐसे लगता है कि परीक्षा ही है। एक एलिमेंट होता है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना, वो एक फियर फैक्टर तो रहता ही है। हाँ, इतना ही मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि पैसा वसूल हो। अब बेचारी हमारी ऑडियंस जो हम पे विश्वास रख के पैसे खर्च के फिल्म देखने आती है, अगर वो फिल्म में भूसा निकले तो बेचारी सर पे मार भी नहीं सकती है, क्योंकि वो तो घर जा चुके पैसे दे के, और हम तो वहाँ कोई है नहीं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जिन ऑडियंस के लिए भी फिल्म बनाता हूँ, जैसे मेरा एक बेसिकली, जैसे मैंने फैमिली ड्रामा बनाया बेटा, तो मुझे मालूम था फैमिली ऑडियंस के लिए है। मैंने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, तो मुझे मालूम है कि ये एक अलग ऑडियंस को पसंद आएगी, यंगस्टर्स को पसंद आएगी। जैसे बेटा के बाद अब मैंने ये फिल्म बनाई है सुपर नानी, मुझे मालूम है कि ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिल में उतरेगी। ये कहानी है एक माँ की, मेरी नानी माँ की, जिसने जिंदगी भर अपने परिवार को स्नेह और सिर्फ प्यार ही दिया। ये धागा तू बांध लेना, तेरे हिस्से का उपवास है ना, वो मैं कर लूंगी। और उसके बदले में उन्होंने, मॉम प्लीज तुम अपना काम करो ना, किचन में जाओ जाओ। मॉम से मैं 100 बार बोल चुकी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी देखो ना। जिंदगी की गणित में हम सब 100 तक पहुंच गए और तुम वही के वही रह गई, शून्य, ब्लडी जीरो। ग्रैंड मस्ती के फिल्म मेकर सुपर नानी जैसी फिल्म बना सकते हैं, तो थिंकिंग ग्रैंड मस्ती की टाइम क्या थी और सुपर नानी की टाइम क्या है? देखो, मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर को, एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए, बिल्कुल, कि वो कॉमेडी भी कर ले, वो एक्शन भी कर ले, वो पागल का रोल भी कर ले, वो विलन भी बन जाए। तो वैसे ही मैं अपने आप को ढालना चाहता हूँ अभी, और मैंने कोशिश की है। अगर आप मेरी सारी फिल्में देखें तो मेरी कोई फिल्म सिमिलर नहीं होगी। मैं एक्सपेरिमेंट ऑलवेज करते रहता हूँ। जैसे धमाल मैंने बनाई थी, तो उसमें मैं तो म्यूज़िक भी नहीं डालना चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती म्यूज़िक डलवाया गया, फिर भी मैंने जिद करके उसमें कोई हीरोइन नहीं रखी। तो विदाउट हीरोइन मैंने फिल्म बनाई, और सक्सेसफुल, और आज भी, मतलब वो फिल्म उस वक्त तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन जब रिलीज हो गई उसके बाद तो उसको, मतलब लोगों ने 10-10 बार घर पे, लोगों, मुझे कितने लोग फोन आते, अरे इंदु जी आपकी फिल्म चल रही है धमाल, पूरा फैमिली देख रहा है, हम लोग लोट पोट हो रहे हैं, या मैसेज आ जाता है या फोन आ जाता है। तो मैंने तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट किया, ये फिल्म भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मुझे यकीन है इस, मैं साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 2 वीक पहले की बात है, आमिर और मैं साथ में थे, किसी और ने पूछा कि इंदु का इंस्टिंक्ट है कि ये पिक्चर लोगों को अच्छी लगेगी, तो आमिर ने बहुत अच्छी बात बोली कि बोले ये इंदु का इंस्टिंक्ट नहीं है, इंदु की स्टडी है ओवर द ईयर्स की, और वो उसको दिमाग में रख के ये बात बोल रहा है, और उसका दिल बोल रहा है। तो दिल क्यों बोल रहा है? बिकॉज़ उसका अपना स्टडी, देयर इज अ स्टडी बिहाइंड इट। मगर जहां ऑडियंस ग्रैंड मस्ती को पसंद करती है, आपको ऐसे लगता है कि सुपर नानी को भी पसंद कर सकती है वही ऑडियंस? सी, हो सकता है वही ऑडियंस ना हो, लेकिन हर फिल्म की अपनी एक ऑडियंस होती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जब सेंसर वालों ने फिल्म देखी सुपर नानी, और जब बाहर आए तो एक उसमें एक औरत थी, उन्होंने फिल्म की तारीफ की, और उन्होंने एक बात बोली कि आपने एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है कि रिस्पेक्ट वुमेन। मैं भी मेरे पति से कहती रहती हूँ कि यार सबके सामने ऐसी बात मुझसे ना किया करो, और आप फिर भी नहीं बाज आते हो, लेकिन आज मैं जाके उसको ठीक करूँगी। तो मैंने एंटरटेनिंग वे में बोला है पूरा, और मुझे लगता है ये बात लोगों तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डिसाइड करने वाले तो लोग ही होंगे, फाइनली ऑडियंस ही होगी। बिल्कुल सही है। रेखा को कैसे चुना आपने? मतलब मैं आपको ऑनेस्ट जवाब दूं तो
पहली और आखिरी चॉइस रेखा जी ही थी इस फिल्म के लिए. ओके. हाँ, बिकॉज हमने सोचा अगर ये नहीं करेगी तो ये फिल्म बनेगी कैसे. बिकॉज फ्रॉम अ डाउन ट्रॉडन कम्प्लीटली डी ग्लैमराइज हाउस वाइफ टू अ दीवा, वही लग सकती है और कोई नहीं लग सकता. जो आज इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन और कोई नहीं दे सकता यस्टरडेज़ की हीरोइंस में. तो आपने जब रेखा को अप्रोच किया, बहुत कन्विंस करने की जरूरत पड़ी या हाउ वाज इट साइनिंग हर? पहले जब मैंने उनसे कहा कि आपको नानी प्ले करना है तो मुझे ऐसे देखती रही 2 मिनट तक. ऐसी हार्ड लुक उन्होंने दी मुझे. आपको अपनी नानी याद आ गई? मेरी नानी. मुझे लगा अब ये कुछ मुझे कहने वाली है और मुझे गेट दिखाने वाली कि देखो बेटा गेट उधर है, वहां से चले जाओ. लेकिन शी वॉज नाइस एंड शी सेड के अच्छा एक काम करो, कहानी सुनाओ. तो जैसे उनको कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कब शुरू करना है. और अगर फर्ज कीजिए रेखा जी मना करती तो सेकेंड इन प्लान कोई था? ऑनेस्टली हम वो स्टेज तक जा ही नहीं पाए बिकॉज हमारा माइंड तो रेखा जी पे अटका हुआ था. वी फेल्ट कि रेखा जी इज एप्ट फॉर दिस रोल. नोबडी कैन डू इट बेटर देन हर. एंड वी अप्रोच्ड हर एंड उसने हाँ बोल दिया. तो अंधा क्या मांगे. हमको तो 2 आंखें मिल गई. इंडिया में हम कंट्री को माँ कहते, गांव को माँ कहते, धरती को माँ कहते और उसके लिए किसी का खून करने को भी तैयार हो जाते. पर हम इंडियंस अपनी सगी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते और इसलिए हम इंडियन लोग पीछे रह जाते. नानी घर वालों को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा. कुछ चमत्कार करना पड़ेगा. लाइट्स कैमरा एक्शन. शर्म नहीं आती तुम्हें ये कपड़े पहनते हुए? आपकी चांदनी भी तो ऐसे कपड़े पहनती है. अरे उसकी माँ नानू, वो पहने तो रासलीला और नानी पहने तो कैरेक्टर ढीला. इंदु जी ये एक गुजराती प्ले पर आधारित है. हाँ जी, एक प्ले है बाय मारी बाउंड्री. उस पर आधारित है. बट हमने काफी सारे चेंजेस किए बिकॉज प्ले क्या होता है, एक सीन चलता है जो 20 मिनट तक चलता है. यू जस्ट कांट डिसमिस इट ऑफ इन डायलॉग्स. हाँ, तो वो हमको सब चेंजेस करने पड़े. एंड एक जो बात जो अंडर करंट में थी उस नाटक में जो 4 पे नहीं आई थी कि रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट योर मदर, वो बहुत कारपेट के नीचे टाइप्स थी. मैंने लाके उसको टेबल पे रख दिया. उभर के लाया? हाँ, मैं उसको स्क्रीन के सामने ले आया. तो ये जब आप स्क्रीन पे लिख रहे थे तभी आपके दिमाग में बात आई या बनते बनते या इम्प्रोवाइजेशंस के दौरान आई? एक्चुअली हमने थोड़ा बहुत पोर्शन रीशूट भी किया इस फिल्म का. हाँ जी, बिकॉज क्या हो गया कि जब प्ले हम लोग शूट करने लग गए तो हमको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत थोड़ा सा बंद हो रहा है, तो इसको खोला जाए और वो एलिमेंट को इन्फ्यूज किया जाए कि रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट योर मदर. तो वो हम चक्कर में हमने काफी सारे चेंजेस कर दिए. एंड आई होप पीपल लव द फिल्म. तो रेखा जी से रीशूटिंग करवाना, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरल इंप्रेशन ये है कि रेखा इज वेरी डिफिकल्ट. तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ना सिर्फ शूटिंग की उनसे, रीशूटिंग भी करवाई, तो ये सब गलत कहानियां हैं या क्या है? मुझे औरों का तो पता नहीं है लेकिन मैंने रेखा जी को जितना ट्रबल किया है आई डोंट थिंक सो किसी ने किया होगा. वो इस बात को कबूल भी करेंगे बिकॉज मैंने एक स्क्रिप्ट दे दी उनको. उसके बाद फिर मैंने चेंजेस किए. तो एक्टर बौखला भी जाता ना थोड़ा सा. एंड वो बहुत ही मेटिकुलस है कि मैंने ये ऐसा किया था, मैंने वो वैसा किया था. तो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए. तो बौखला ही हुई थी लेकिन वो इतनी प्रोफेशनल थी कि जो मैंने बोला उन्होंने किया. तो ये फिल्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी. रेखा जी ने वही किया जो मैंने उनसे कहा. आजकल ऐसे माना जाता है कि यंगस्टर्स दे फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ फिल्म गोइंग पब्लिक और इसलिए भगदड़ मची है कि न्यू यंगस्टर्स या यूथफुल ऑडियंस के लिए अगर फिल्म बनाए तो एटलीस्ट एक सेफ्टी मार्क तक पहुंचना आसान हो जाता है. इस माहौल में इस किस्म की स्टोरी बनाना, कहीं आप लोगों ने ये सोचा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये ओवर 50-60 की कहानी, मतलब इन द सेंस किरदार हैं. नॉट कहानी घर घर की ऑडियंस. ओके, कहानी घर घर की है. आप मुझे बताइए, हर वीक रिलीज होती है यंगस्टर्स की फिल्म और फ्लॉप क्यों हो जाती है? अरे यंगस्टर बेवकूफ नहीं है, वो भी कहानी देखना चाहता है,
वो भी मैटर देखना चाहता है, कंटेंट सही कंटेंट सही होना चाहिए ना उस फिल्म का। वो अगर यंगस्टर की फिल्म है तो उसका कंटेंट राइट दो उनको, वरना वो उसको भी रिजेक्ट करता है। तो मुझे ये फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा लगा। मैंने ये परवाह नहीं की कि यार ये यंगस्टर या ओल्डस्टर या जो भी आप टर्म एनीस्टर, बट आई फील के एक सब्जेक्ट है जो मुझे बोलना है, एक स्टेटमेंट जो मुझे बोलना है वो मैंने बोला है और मैं बोलूंगा एट एनी कॉस्ट। इंदु जी, इतना लंबा टाइम क्यों लग गया ये ड्रामा को फिल्म में कन्वर्ट करने के लिए? क्या मैं बनाना तो बहुत पहले से चाह रहा था, ये 6 साल पुरानी बात है, बट वो फिर पड़ा रह गया, फिर बीच में कुछ और फिल्में आ गई, फिर डबल धमाल बन गई, फिर एक दिन मैं नींद से जागा, मुझे लगा कि नहीं यार आज की डिमांड है कि ऐसी फिल्म बने। तो असलियत में भी और फिगरेटिवली भी आप नींद से जागे? हाँ, सही है। तो फिर उस दिन जागे आप और आपको लगा कि नहीं ये एक अच्छा सब्जेक्ट है तो मुझे बनाना चाहिए। एंड देन यू गॉट वर्किंग ऑन इट। हाँ, एंड मैंने ये परवाह नहीं की कि अभी मैं इकोनॉमिकली इसको कैसे सेट करूँ, बिकॉज जब फिल्म बनाते हैं तो वो आज मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, बिकॉज कैलकुलेशन सब शुरू हो गए हैं। सो ट्रू कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं यंगस्टर को खुश करूँगा। अरे बेवकूफ, पहले तू खुद तो खुश हो। जब जो कुक खाना बनाता है वो ऑलवेज चखता है, नमक कम है, मिर्ची कम है, फिर वो परोसता है। तू तो ले नमक डाल, मिर्ची डाल, ले खाना है खा, मत खाना है मर। ऐसे एटीट्यूड से आप बनाओगे तो मैंने ऑलवेज, अगर मुझे ऐसा लगा इन यार ये खाना अच्छा नहीं बना है मैंने, तो मैं तो चुपचाप जाए पूरा वो नाली में डाल देता हूँ और फिर से वापस शुरू हो जाता हूँ। करेक्ट। इसीलिए आपने, आपकी कई बड़ी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर्स हुई है, अंदर कितनी मेहनत गई है, आपने रीशूटिंग के लंबे लंबे शेड्यूल्स भी किए हैं, बिकॉज यू वर थिंकिंग दैट ये परोसने लायक खाना नहीं बना नहीं है। और वो जो 200 रुपए लेके मेरी टिकट लेकर जो आने वाला है, मैं उसको अंदर भूसा नहीं देना चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है गलती मुझसे भी हो सकती है, बट मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मैं पैसा वसूल होना चाहिए बॉस इसका। शर्मन जोशी को साइन करना आसान था बिकॉज ही इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी वेरी चूजी, और स्पेशली जब सेंट्रल किरदार रेखा जी का है, तो शर्मन जोशी कैसे आए, कैसे हिस्सा बने? शर्मन जोशी ने ये गुजराती प्ले देखा हुआ है, तो शर्मन जो अब आया है, तो जब उसको पता चला कि मैं ये बना रहा हूँ और मैंने उसको मैसेज भिजवाया कि मैं बना रहा हूँ, तो ही जम्प्ट एट इट, बोला यार इंदु जी 100% मैं करूंगा। एंड मैं और शर्मन बहुत टाइम से लगे हुए थे यार एक फिल्म साथ में करेंगे, एंड बट कुछ हो नहीं पाया। पहले वो धमाल में भी होने वाला था, फिर नहीं हुआ, कुछ डेटों का क्लैश हो गया। सो ये मौका उसको भी था, मुझे भी था, और मुझे मालूम है कि ये रोल शर्मन से बेटर कोई नहीं कर सकता। जैसे रेखा वो रोल कर सकती थी, ये रोल भी सिर्फ शर्मन नाती कर सकता, नाती का रोल। और वो ये आपको फिल्म देखने पर एहसास होगा जो मैं बोल रहा हूँ, इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत कमाल के मंझे हुए एक्टर है। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि स्टार चाहिए, बट एक्टर है वो, और मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्म उनको स्टार बना दे। सही बात है। एक्चुअली वही होता है कि एक सोलो हिट या सुपर हिट की जरूरत होती है और फिर एक्टर से स्टार बन जाते हैं लोग। हाँ, वेरी ट्रू। तुम्हारा अमिताभ के साथ एड कंफर्म हो गया। अमिताभ बच्चन, हाय। दूसरे को जानते हो? जानते हैं, हम लोग तो साथ में सोए हैं। What? गणित की क्लास में जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, लास्ट बेंच पर। अगर तुम्हारी मम्मी ने मॉडलिंग की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। प्रॉमिस? What? मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से। अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख। हीरोइन की भूमिका आपकी बेटी निभा रही है, श्वेता कुमार जी। तो श्वेता वाज नीडेड फॉर द रोल या बिकॉज यू वांटेड टू गेट इन श्वेता दैट द हीरोइन्स रोल वेंट टू हर? एक्चुअली ये रोल न्यू कमर ही डिमांड कर रहा था, बिकॉज ये और मेरी बेटी है उसका, मैं भी ऐसा रुथलेस हूँ आपको बताऊँ, कि मैंने बोला यार ये लड़की सूट तो कर रही है श्वेता इस रोल को परफेक्ट, लेकिन 2 महीने पहले मैंने उसको बोला चल तेरा एक टेस्ट लेते हैं। तो मैंने चिकनी चमेली गाना, फिर क्रेजी किया रे और तेरी ओर,
ये तीनों गानों का एक एक मिनट उसके साथ बाकायदा शूटिंग रख के लोकेशन पे शूट किया। फिर दो तीन सीन मैंने, जैसे जब वी मेट का सीन था जिसमें वो फोन पे गाली देती है, वो सीन मैंने उससे करवाया, और दो तीन सीन मैंने उससे करवाए। जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये लड़की में बात तो है, मतलब आपकी बेटी है इसलिए रोल जाना चाहिए, वो आपने बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने फिर वो टेस्ट लेने के बाद जब मैंने वो टेस्ट देखा, मुझे लगा यार सुपरस्टार और वो तो सब आदमी तकदीर से बनता है, सही। लेकिन इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये कलाकार तो है, सही। She will deliver. She will deliver and she has delivered. वो पिक्चर में एक अच्छा एडिशन है, एक अलग फ्रेशनेस लाती है जब वो आती है फिल्म के अंदर। अभी आप प्रोमो भी चल रहे होंगे जैसे माहिरू गाने में, माहिरू गाना तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हो रहा है। और उसमें अभी दूसरा भी गाना अभी हम लोगों ने छोड़ा है जो उसी पे है, धानी चुनरिया जो डांस है, हाँ। तो वो इतने बाखूबी निभाया उसने और वो एक फ्रेशनेस दे रही है पूरी पिक्चर को, सही सही। तो मैं समझता हूँ शी डिजर्व दैट रोल, वेरी नाइस, एंड शी डिजर्व्स टू बी हियर एंड शी विल बी हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। That's very interesting. जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है इस फिल्म के बाद शर्मन जोशी एक्टर से स्टार बन जाए, let's just hope that आपकी बेटी भी इन डिमांड एक्ट्रेस बन जाए, इन डिमांड हीरोइन बन जाए। थैंक यू। एंड फाइनली इंदु जी, हैप्पी न्यू ईयर के साथ आप आने वाले थे, 24 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर आप लोगों ने एक वीक पोस्टपोन किया, अब इस फ्राइडे को यानी 31 अक्टूबर को आ रही है, तो ये बदलाव क्यों? हैप्पी न्यू ईयर आ रही थी इसलिए यू डू नॉट वांट टू क्लैश विद द बिग फिल्म? मैं बिलीव नहीं करता इस बात को, बिकॉज मैं समझता हूँ अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो वो और उस दिन भी चलेगी, बिकॉज हो सकता है कि हमको स्क्रीन कम मिलते, हो सकता है हमको थोड़ा डिसएडवांटेज होता, बट त्यौहार का एडवांटेज भी था। करेक्ट। और मैं ये मानता हूँ, मैं किसी से अपनी कंपैरिजन नहीं करना चाहता, शाहरुख इज़ वेरी बिग, फराह बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, अच्छी डायरेक्टर है, बट मुझे लगा था मैंने भी अच्छी फिल्म बनाई है एंड इट डिजर्व्स टू कम ऑन दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये मेरे यकीन नहीं है, मुझे बोला नहीं फिर 31 को आ जा, तो फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है? करेक्ट। तुझे लगता है हीरा है तो आज नहीं बिकेगा तो कल तो बिकेगा, वो पत्थर का भाव तो नहीं हो जाएगा ना उसका कल हफ्ते भर के अंदर। सही सही बिल्कुल। तो और उस हीरे से आपकी कंपैरिजन भी नहीं होगी जो आ रहा है, जो 24 अक्टूबर को आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सारी सेंस प्रिवेल्ड एंड मुझे लगा चलो ठीक है 31 को, तो अगर मेरी फिल्म अच्छी है तो चलेगी 31 को भी चलेगी। चलिए इंदु जी, हम भी इसी दुआ के साथ आपको जाने देंगे कि आपकी फिल्म अच्छी है और चलेगी। सो व्हाट इफ इट इज नॉट कमिंग ऑन 24th एंड इंस्टेड कमिंग ऑन 31st? अ गुड फिल्म इज अ गुड फिल्म। टाइम तो मतलब एक दिन जो रिलीज का होता है वो तो आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी। उस वीक में दो हॉलीडे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 31st अक्टूबर वाले वीक में 7-day वीक में दो हॉलीडेज का बेनिफिट आपको मिलेगा, जो आपको दिवाली का बेनिफिट नहीं मिलेगा वो आपको छुट्टियों का बेनिफिट मिलेगा, प्लस सोलो रिलीज इन द सेंस आपकी सबसे बड़ी होगी। तो मुझे लगता है जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, और आपके भगवान आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उन्होंने किया वो अच्छा किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे इंद्र कुमार, इनकी फिल्म एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनकी फिल्म सुपर नानी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट ट्रीटिंग द वुमेन एट होम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एंड बहुत प्यार से बहुत मेहनत से इन्होंने फिल्म बनाई है। इसकी भी रीशूटिंग हुई, और मैं आपको बता दूं जिस फिल्म की रीशूटिंग इंद्र कुमार जी करते हैं वो फिल्म गोज ऑन टू बिकम अ हिट, अ सुपर हिट। तो हो सकता है ये बात इस फिल्म के लिए भी लागू हो एंड सुपर नानी ऑल्सो बिकम्स सुपर सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC बॉलीवुड। दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय।